सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक अनदर न्यू वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आई मीन ये वीडियो जो है मैं आपको दिखाऊंगा एक्चुअल में पावर ऑफ स्पाइनो, आई मीन स्पाइनो की कितना ज़्यादा पावर है। रेक्सो या फिर कोई भी हो, इसके आगे सब फेल है। अगर आप लोग कोई ख़तरनाक डाइनो टेम करना चाहते हैं तो उसे टेम करिए। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि स्पाइनो को टेम करिए, क्योंकि ये इतना ज़्यादा फास्ट होते हैं, साथ ही साथ इनका डैमेज जितना ज़्यादा होता है, अगर ये सब अपना अगला पैर उठा के डैमेज दें तो सबसे ज़्यादा डैमेज इनका होता है। अगर ये सब पानी में हो तो भी इनका ही ज़्यादा डैमेज होता है। अगर ये मुंह से मार रहे हैं तो थोड़ा सा कम डैमेज हो सकता है, मीन थोड़ा टाइम लग सकता है, बट अगर ये दोनों हाथ ऊपर करके डैमेज दे रहे हैं तो भाई बचना नामुमकिन जैसा लगेगा। एकदम इतना ज़्यादा डेंजरस होते हैं ये। रेक्स से कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा डेंजरस स्पाइनो माने जाएंगे, क्योंकि इनका जो अटैक पॉइंट है बहुत ज़्यादा फास्ट है, और साथ ही साथ ये सब टारगेट पे बहुत ज़्यादा पहले पहुंच जाते हैं। स्पीड भी इनकी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, और डैमेज तो इतना ज़्यादा होता है कि मैं कंपेयर भी नहीं कर सकता रेक्स से कि क्या ही कंपेयर करें। अगर मान लीजिए रेक्स एक बार अटैक कर रहा तो उतने में ये सब दो बार तीन बार अटैक कर सकते हैं, इनका इतना ज़्यादा फास्ट होता है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि कितना ज़्यादा ही फास्ट है। अगर आप लोगों को बस क्या करना है, इसको टारगेट देना है। अगर आप लोग बैठ के अटैक करें तो ये नहीं पता मुझे कि आप लोग कितना फास्ट इसे अटैक करवा सकते हैं, बट आप लोग अगर इसे टारगेट दे रहे हो तो ये विद इन सेकेंड, आई मीन टारगेट को कितना ज़्यादा जल्दी मार देगा आप लोगों को यकीन भी नहीं होगा। बस आप लोगों को इसे टारगेट देना है। हो सकता है थोड़ा बहुत, जैसे इन बड़े क्रीचर होते हैं तो इनको थोड़ा घूम के आने में दिक्कत होती है, आई मीन जब मुड़ना उड़ना रहता है तो ये बड़ा लंबा टूर लगा के घूमते हैं। और यहाँ देखिए मैंने इसे टारगेट दिया और कितना ज़्यादा जल्दी इन सभी को मार देगा। ये देखिए दोनों हाथ ऊपर करके फाइट ले रहा है फिलहाल, और ये देखिए तुरंत मार दे इसने। ये इतने ज़्यादा पावरफुल है भाई, इसको टेम करने के लिए मैं करीब करीब दो से तीन बार मर चुका हूँ। फिर जाके मैंने इसे दो टेम किया और मैंने इनको ब्रीड कराया काफ़ी सारे को। करीब करीब इस समय मेरे पास 4, 5, 6 स्पाइनो हो चुके हैं, जो कि मैं सोच रहा हूँ पूरी आर्मी ही बना दूँ पूरे स्पाइनो की, जहाँ जहाँ चलूँ इनको पीछे पीछे ले के घूमूँ। भाई इतना ज़्यादा डेंजरस क्यों है ये सब, और साथ ही साथ इसकी स्पीड और मेरे पेट्रा की स्पीड दोनों की मैच कर रही है, आई मीन यही ज़्यादा स्पीड होंगे अगर ये पानी के माध्यम से चलें तो। तो आज के लिए इतना ही, आप लोगों को ये दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया कि कितना ज़्यादा पावरफुल स्पाइनो हो सकते हैं अगर ये एक्चुअल में कंपेयर करें रेक्स से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और भी मज़ेदार वीडियो बनाता रहूँगा और आप लोगों को बताता रहूँगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई और भी वीडियो जो आप लोगों को पसंद हो उस पर बनाऊँ, या फिर उस पर कुछ भी आप लोग जानना चाहते हैं, तो मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा और साथ ही साथ बताने की भी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।